वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ। तो आज इस वीडियो में हम लोग दोस्तों देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है और उसके लिए जो हम लोग टूल यूज़ करते हैं MSP, उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या उसका इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोज़ आते रहें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि हमारा जो बेसिक होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसका जो फेज होता है, जो उसके टाइप्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के, वो कैसे होते हैं। कि सबसे पहला जो हमारा ओनर रहता है, ओनर के पास हमारे, उसको जनरली हम लोग तीन लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा होता है डिज़ाइन प्रोफेशनल्स, जिसमें हम जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बिल्डिंग का पूरा ड्राइंग बनाते हैं और उसकी बिल ऑफ क्वांटिटीज बनाते हैं। इसको अचीव करने के बाद जो हमारा सेकेंड फेज होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स का, जिसमें इन ड्राइंग्स की हेल्प से उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है, उन स्टेप्स को एग्जीक्यूट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होता है कोई भी कंस्ट्रक्शन फेज का, वो होता है सबमिशन। जो भी हमारे रिपोर्ट्स हैं, जो भी हमारी ड्राइंग्स हैं, जो भी हमारी कीज हैंड ओवर करने की बात होती है, वो लास्ट पार्ट होता है कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल का। तो जनरली हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है MSP, जो कि होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, जिसकी हेल्प से हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करूं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका एक आर्ट है, एक टूल है, जिसके हेल्प से हम लोग पूरे प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं और हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में यूज़ होने वाले जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको हम लोग मैनेज करते हुए कैसे अपने पूरे प्रोजेक्ट को एक सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे, वो चीजें हम लोग सीखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो जनरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेटजी में यह पता करना होता है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो किस टाइप का है, आपको जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस करना है वो किस टाइप से प्रोसेस होगा, उसके जो भी ड्यूरेशन है उसको सेट करना पड़ता है, उसके जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको यूज करना पड़ता है ताकि हम पूरे प्रोजेक्ट को ट्रैक रख सके और हम उसके साथ साथ में ही हमको पूरे प्रोजेक्ट में जो हमको कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडरिंग वर्क करना होता है उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और टेंडरिंग वर्क के लिए सिविल गुरुजी ने आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च किया है जो कि है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग, जो कि आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी www.civilguruji.com पे। तो अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले जो हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग रफ प्लान बनाते हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उसमें कौन से स्टेप्स होंगे। अगर मैं उन स्टेप्स को एक्टिविटीज बोलूं तो वो एक ही बात होगी कि एक्टिविटीज मतलब कि हमको जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को फॉलो करना है, क्योंकि सबसे पहला जो बेसिक होता है हमारा कंस्ट्रक्शन का वो होता है आपका, जो हम डिज़ाइन प्रोफेशनल से पूरी ड्राइंग्स बनाएंगे एज पर हमारे क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हमारी ड्राइंग्स बनेगी, उन ड्राइंग्स की हेल्प से हम लोग उनको आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम अपनी साइट की लोकेशन देखेंगे, साइट लोकेशन देखने के बाद हमको जो साइट की क्लियरिंग कराना है, क्लियरेंस कराना है, उसको हम लोग करवाएंगे। फिर यहाँ से हमारा जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो एक बिल्डिंग का वो स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ में ही हमको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उसका ड्यूरेशन चेक करना होता है कि हमारे पास जो डिज़ाइन प्रोफेशनल्स होंगे वो अपने ड्राइंग्स को कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग कोई भी टेंडर फिल करते हैं तो वो टेंडर में आपका ड्यूरेशन दिया रहता है कि आपको कितने वक्त में, कितने ड्यूरेशन में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि वो टाइम का ध्यान रखते हुए कॉस्ट को भी मैनेज करे और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अपने पूरे प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करे। तो यहाँ से हम पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जो आप MSP टूल में यूज़ करते हैं वो होता है आपका कैलेंडर असाइन करना, मतलब कि कैलेंडर्स जो आप प्रिपेयर करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, कि आपका जो वर्किंग और नॉन वर्किंग टाइम रहता है कोई भी एक प्रोजेक्ट का वो हम लोग डिसाइड करते हैं। दूसरी चीज़, हमारी जितनी भी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है हम उनको डेवलप करते हैं। सेट ऑफ एक्टिविटीज़ डेवलप करने के बाद हमको जो ड्यूरेशन उसमें प्रोवाइड करना रहता है, हम ड्यूरेशन प्रोवाइड
प्रोवाइड करके, ड्यूरेशन प्रोवाइड करने के बाद हम उसमें प्रीडिसेसर्स लगाते हैं। प्रीडिसेसर मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो खत्म होगी तभी हम दूसरी एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब एक्टिविटीज को असाइन करने के बाद हम क्रिटिकल एक्टिविटी चेक करते हैं कि ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज हैं जिनको हम डिले नहीं कर सकते, तो वो क्रिटिकल एक्टिविटीज में आती है। ये हो गया हमारा शेड्यूलिंग पार्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिसोर्सेज डिसाइड करते हैं कि हमको रिसोर्सेस किस तरह से लगेंगे। तो मैं रिसोर्सेस की अगर बात करूँ तो रिसोर्सेस में आपके जो भी एक कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अगर मैं मटेरियल्स की बात करूँ तो जो भी मटेरियल्स हमको उस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगेंगे, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी क्वांटिटीज निकालेंगे कि कितनी क्वांटिटी में हमको कौन से मटेरियल्स लगेंगे। दूसरी चीज़ जो हमारे लेबर पार्ट हैं, मतलब कि कितने नंबर में हमको सुपरवाइजर्स लगेंगे, कितने नंबर्स में इंजीनियर्स लगेंगे और कौन से काम को कौन देखेगा, वो सब चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं। मेसन की क्वांटिटी डिसाइड करते हैं, लेबर्स की क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। अब यहाँ से हमको इन रिसोर्सेज को उन एक्टिविटीज़ में असाइन करना होता है कि कैसे हम लोग असाइन करेंगे ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ उसका एस्टिमेशन भी कर सकें। तो ये सब चीज़ें अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट www.civilguruji.com पे विजिट करना है, जहां आप लोगों के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स को फिर से लॉन्च किया गया है, जो कि हमारा फ्रेशर्स वीक चल रहा है, जो कि आपका 12 जुलाई तक के ही है। उस ऑफर को अवेल करने के लिए फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है ये मौका, ताकि वो वापस से उन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स को सीख सके और अपनी ग्रोथ की तरफ आगे एक स्टेप और बढ़ा सके। यहाँ पे आप लोगों को सिखाया जाएगा कंप्लीट एस्टिमेशन ऑफ ए बिल्डिंग, कि हम लोग जो भी एस्टिमेशन करते हैं जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के पहले होता है, जिनमें हमको पूरे बिल्डिंग का एस्टिमेशन करना होता है, वो चीज़ें सिखाई जाएगी आपको हर एक पार्ट। दूसरी चीज़ आपको BBS सिखाया जाएगा, जिसमें आपको स्टील की क्वांटिटीज़ कितने टाइप के, कितनी क्वांटिटी में आपको रिइंफोर्समेंट लगेगा, वो चीज़ें आपको BBS में सिखाई जाएगी बार बेंडिंग शेड्यूल में। तीसरी चीज़ आपको सिखाई जाएगी क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस, जिससे आप एग्जैक्ट क्वांटिटी निकाल सके अपने कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में जो भी मटेरियल्स यूज करने वाले हैं उसके लिए। चौथी चीज़ आपको सिखाई जाएगी बिलिंग, जिसमें आपको पूरे अपने कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का जो फाइनल स्टेप होता है, वहाँ पे जो बिल प्रिपेयर करना होता है, कितने टाइप के बिल होते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद आपको चार सॉफ्टवेयर्स भी सिखाए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको ऑटोकैड सिखाया जाएगा, जिसमें आपको लाइन डायग्राम, सेक्शन, एलिवेशन, उसके साथ उसकी सबमिशन ड्राइंग, जिसमें हम लोग सेप्टिक टैंक डिज़ाइन देखेंगे, सेप्टिक टैंक्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे। उसमें दूसरी चीज़ जो हमारी रैबिट आर्किटेक्चरल का सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग पूरे ड्राइंग को एक 3D मॉडलिंग करेंगे, जिसमें हम पूरा एलिवेशन प्रिपेयर करेंगे बिल्डिंग का। थर्ड आपको सिखाया जाएगा ETABS, जिसमें आप पूरे बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं हम लोग, कि बीम कॉलम में हमारे जो नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट लगेंगे, कितने डाया में लगेंगे, उसका पूरा एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस कैसे होगा, वो सब चीज़ें आपको ETABS में सिखाई जाएंगी। और चौथा जो सॉफ्टवेयर है वो है आपका MSP, जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपको पूरे प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग सिखाई जाएगी, उसका एस्टिमेशन और उसमें रिसोर्सेस हम कैसे मैनेज करते हैं वो चीज़ें सिखाई जाएगी। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि तीन फैक्टर्स में जस्ट हम लोग इसको डिवाइड करें तो सबसे पहला फैक्टर होता है आपका टाइम, दूसरा होता है आपका कॉस्ट, तीसरा होता है उसकी क्वालिटी। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोजेक्ट को वो स्पेसिफाइड टाइम में कंप्लीट करे, उतने स्पेसिफाइड कॉस्ट में कंप्लीट करे, उसके साथ साथ में एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करते हुए अपने प्रोजेक्ट को सक्सेस की तरफ लेके जाए। यहाँ पे हम लोग पूरे प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग सीखेंगे, एक प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करते हैं वो देखेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी सिविल गुरु जी के पास कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में, जिसमें आपको ये कोर्स 9000 में मिल रहा है। इस कोर्स को अवेल करने के लिए आपको जस्ट कूपन को अप्लाइड करना है, जो कि है गुरु जी, GURUJI, गुरु जी। आप जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे आपका ये कोर्स आपको 9000 में मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ आपको 12 जुलाई तक के ही है और ये फर्स्ट 50 इंजीनियर्स के लिए ही है। तो बैठे क्यों हो दोस्तों, जल्दी से जाइए और विजिट करिए हमारे वेबसाइट में, जो कि आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा ऐप इसका सिविल गुरुजी के नाम से। तो ये बात हो गई दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की।
इसके बाद हम लोग जो चीज़ें हम लोग देखेंगे उसके लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, जो हमारा YouTube चैनल है सिविल गुरुजी, जिसमें हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी एक फील्ड्स में रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, उस गैप को फुलफिल करने के लिए ही आपके लिए सिविल गुरुजी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ।